हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रम में आज हमारा सिक्स्थ वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक दुकानदार 20% यानी 20% का लाभ लेकर चीनी बेचता है एवं जिस बांट का वह प्रयोग करता है वह 20% कम है, तो उसका लाभ परसेंट क्या कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन कैसे हम करते हैं। इसको क्या करता है देखिए, सपोज 100 रुपीज़ का बांट होना चाहिए, 100 की जगह वो कितना लेस यूज करता है बांट को, ये देखिए 20% लेस यूज करता है, 20% लेस, तो 80 का यूज करता है। यहाँ पर 80 का बांट यूज करता है यानी 80 रुपीज़ का ये बांट है उसको। अच्छा, अब देखिए फिर कहता है कि 20% लाभ होता है, इसी पर जो है 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, तो 120 यानी 120 यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि 100 की जगह जब 180 में 20 में बेचेगा तब 20% का उसको लाभ होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति ने क्या किया, 100 यूज नहीं किया, उसने यूज किया 80 को, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना लिया उसने, 120 लिया, तो यहाँ का जो डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ का आ गया, कितना आ गया 40 रुपीज़, यही 40 रुपीज़ जो है इसका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट आप परसेंट निकालना है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 40 × 100, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, कितने में किया उसने, 80 में से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने 100 यूज नहीं किया बल्कि 80 रुपीज को यूज किया। तो ये 2 टाइम, ये 50 टाइम इज इक्वल टू 50% उसको प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, सीधा ही है, 100 की जगह 80 रुपीज का यूज किया और 100 पर जो है 120 रुपीज प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 120 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 40 रुपीज़ का आ गया, तो ये प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट ले लिया उसने, तो प्रॉफिट इन 100 अपॉन इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो 80 है, तो 80 से जो है इसको डिवाइड कर दिया तो 50% आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, एक बोतल को 240 रुपीज में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो 20% हानि के लिए वह कितने में बेचेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधे सीधे हम ये करते हैं, कितने में बेचेगा, कहने का मतलब न्यू एसपी निकालना है, क्या निकालना है, न्यू एसपी। अब न्यू एसपी किसके लिए निकालना है, हानि के लिए निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा 100 माइनस हानि कितनी है, 20 आ जाएगी, और प्रॉफिट कितना हुआ था भाई, 100 प्लस 20, इतना प्रॉफिट किस पर हुआ था, 240 पर हुआ था, 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 × न्यू, ये जो है यहाँ पर जो है न्यू एसपी ऐसे निकलेगा, पहले हानि यानी हानि पर निकालना है, ये तो लाभ पर तो इतना है, तो क्या करेंगे, 240 × 80/120, इससे 2 टाइम गया और 160, तो ये रुपीज आ गया आपका एसपी, एसपी न्यू एसपी आ गया 160 आ गया आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं शॉर्ट में, नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूज नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 1 रुपये में 12 संतरे खरीदे जाएं तो 20% यानी 20% का मुनाफा कमाने के लिए वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, 1 रुपये में 12 संतरे खरीदे जाते हैं और 20% का मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, यानी नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालना है, क्या निकालना है,
नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये ध्यान दीजिएगा कितना है, 12 संतरे हैं इनटू 12 संतरी में क्या करेंगे 100, एक रुपए में कितने संतरे लीजिएगा है, तो 100 अपॉन 100 प्लस 20 कर दो, ध्यान दीजिएगा 12 ये हो गया 100, क्योंकि 20% मुनाफा है, तो 100 अपॉन 100 प्लस 20 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 120, इससे 10 टाइम और इससे 10, ये आगे 10 संतरे, ये 10 संतरे एक रुपए में बेचेगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही विल सेल फॉर 1 रुपीज, एक रुपए में 10 संतरे बेचेगा, सीधा है ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं 12 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, ये है 20, क्योंकि क्या करना है 20% का उसने मुनाफा लेना है, यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पर 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्या हुआ सीपी जिसको कहते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी निकालते हैं ये कितना है 15% हानि भी और 15% लाभ है, तो डिफरेंस कितना है, इतना अधिक मिला, इतना अधिक मिला, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 60 अपॉन 15 लाभ और 15 हानि दोनों को ऐड कर दीजिए, ये डिफरेंस हो गया लाभ और दोनों का डिफरेंस 15% इंटू 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 60 अपॉन 30 इंटू 100, 0 से 2 टाइम ये चला गया, इक्वल टू 200 रुपीज, ये जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, यानी 200 रुपये में वो चीज़ को खरीदेगा तो 15% हानि के बदले 15% का लाभ पर बेचेगा, तब जाके उसको 60 रुपये का क्या आ जाएगा अधिक मिलेगा, यानी डिफरेंस 60 रुपीज का होगा। तो क्या किया हमने ध्यान दीजिएगा, 60 रुपीज का जो डिफरेंस दिया था वो डिफरेंस अपॉन लाभ और हानि का दोनों को ऐड करेंगे तो डिफरेंस होता है, क्यों होगा डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, इसलिए होता है कि अगर 100 से 15 नीचे करें तो 85 हुआ, 100 से 15 ऊपर करें तो ये 115 हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है 30 तो आएगा, तो इसलिए हमने क्या 15 प्लस 15 ऐड कर दिया तो ये 30 आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्रय मूल्य निकल आया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये ठीक लगेगा देखिएगा इसको, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आप आए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे कल, और नए क्वेश्चन के न्यू ट्रिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।